KGF নামটো প্ৰতিজন চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীৰ বাবে অতি চিনাকি এটা নাম। হয়, আপোনালোকে ঠিকে ধৰিছে, ইয়াক KGF ছবিৰ কথাই কোৱা হৈছে। এই KGF অৰ্থাৎ কোলাৰ গোল্ড ফিল্ডছ কৰ্ণাটকৰ দক্ষিণ পূব অঞ্চলত অৱস্থিত। এই অঞ্চলৰ এজন 35 বছৰীয়া যুৱকে স্কুটিৰে সমগ্ৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। বেংগালুৰুৰ KGFৰ বাসিন্দা দিবাকৰ ৰেড্ডীৰ সৰুৰে পৰাই সমগ্ৰ দেশ ভ্ৰমণ কৰাৰ সপোন আছিল আৰু এই সপোনটোক বাস্তৱত পৰিণত কৰিবলৈ তেওঁ নিজৰ স্কুটিলৈ ওলাইছে। অৱশ্যে কেৱল দেশজুৰি নহয়, আটাইতকৈ দীঘল কিলোমিটাৰ অভিলেখ ভ্ৰমণ কৰি তেওঁৰ নাম গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত লিখাৰ সপোন দেখিছে। দেশৰ 28খন ৰাজ্য আৰু 8খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিব দিবাকৰে আৰু সকলো ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিবলৈ 2 লাখ কিলোমিটাৰতকৈও অধিক দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব লাগিব। 3 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁ সমগ্ৰ ভাৰত ভ্ৰমণ সম্পূৰ্ণ কৰিব দিবাকৰে আৰু 1,05,000 কিলোমিটাৰ যাত্ৰাৰ অভিলেখ গঢ়িলেহে দিবাকৰে গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम दिवाकर है। अच्छा अच्छा, कौन सा स्टेट आपने अभी तक कवर कर लिया है? अभी हो गया छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय 50% हो गया और त्रिपुरा कंप्लीट करके अभी वापस जा रहा हूँ। तो कितना किलोमीटर आप कवर करने के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप अपना वो कर पाएंगे? ऑलरेडी अभी है 1,40,000 किलोमीटर है, वो हिमालयन बाइक पे है, वो रिकॉर्ड में ब्रेक करके 2 लाख+ किलोमीटर करना है। मेरा को बचपन से मेरे को सपन था ऑल इंडिया घूमने के लिए। अच्छा, लास्ट ईयर भी एक ऑल इंडिया ट्रिप गया था इसी गाड़ी पे, इसी से बॉर्डर बॉर्डर कवर कर दिया था। अभी लास्ट ईयर में एक रिकॉर्ड देखा था 1,40,000 किलोमीटर्स। मैं हाल ऑल इंडिया घूमने का सोच रहा था, वो रिकॉर्ड देख के और वो रिकॉर्ड ब्रेक करके मैं उससे बेटर रिकॉर्ड बनने का। असल में हाल इसी कम्प्लीट हो गया, ये अभी ऑफलंग और ओजाई डिस्ट्रिक्ट कम्प्लीट करके गुवाहाटी जा। हमारा फैमिली बेंगलुरु से रहता, मतलब मेरा नेटिव है KGF, KGF मूवी आया था ना। अच्छा, वही मेरा नेटिव। ओके, ओह वाओ, ग्रेट। मेरा 2 साल में कम्प्लीट करने के लिए, ये 2 साल में नहीं होता, 3 साल लगेगा कंटिन्यूस। अच्छा, अभी और लग जाएगा? हाँ, 3 साल लगेगा, अभी 145 डेज हो जाए आज के लिए, ये पूरा कंप्लीट। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो और भी लेट हो सकता है। तो इसका प्रोसीजर क्यों है, मतलब क्या है ये करने के बाद? क्या वहाँ पे कुछ डालना पड़ता है फॉर्म वगैरह? नहीं, पहले अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद में अभी गाड़ी का GPS रहता है और मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ वो सभी फील का कुछ वो सभी ट्रैकिंग करता है, वो बाद में सबमिट करना पड़ता है। हाँ। सबमिट करने के बाद में वो वेरीफाई करेगा। अच्छा, कभी कभी होटल पे नहीं तो कैंपिंग भी करेगा, नहीं तो किसी का हमारा राइडर कम्युनिटी का ऑल इंडिया ग्रुप रहता है। तो जो होटल एक्सपेंडिचर वो कौन बेयर करता है आपका? अभी फिलहाल मेरा खुद का खर्चा करता हूँ। खुद का खर्चा? आप बेंगलुरु में कुछ जॉब करते थे? नहीं, बिजनेस कर रहा था, पूरा बंद करके अभी घूमने को निकल गया।